वर्धमान यार्न्स एंड थ्रेड्स लिमिटेड होशियारपुर अंडर इट्स CSR इनिशिएटिव हैज़ बीन इनिशिएटिंग वेलफेयर एक्टिविटीज़ ऑफ मैनी स्कूल्स विद इन द सिटी ऑफ होशियारपुर एंड सराउंडिंग्स. टुडे ऑन 18th September, श्री ब्रह्मशंकर जिम्पा कैबिनेट मिनिस्टर पंजाब हैज़ डन इनोग्रेशन ऑफ वन क्लासरूम टॉयलेट ब्लॉक्स वाटर कूलर विद RO एंड पेवर ब्लॉक इन courtyard at DSRC Government Primary School, Railway Mandi. On this occasion, Mr. IMGS Sindhu, President and Director in Charge, Mr. Tarun Chawla, Director, along with Vardhaman officials and principal with school staff were present. Mr. Brahmshankar Jimpa, Cabinet Minister of Punjab, has appreciated the contribution of Vardhaman to the school and to the society. During this function, he said that education, healthcare keeps an important position in the development paradigm of the country, and Vardhaman has always been in front to support and encourage with taking initiatives under its CSR activities for such developments. Mr. Sindhu and Mr. Chawla has addressed the school staff and other dignitaries present during this occasion and emphasized that education and health are the basic needs of any society, and the company will keep on taking such initiatives for providing facilities to the school for children's education. On this occasion, school has organized a cultural program presented by the school children, and school principal has given her thanks note to Vardhaman for supporting the school. हम जैसे देखे ये जहां है ऐसा ही जैसी नजर
सामने एक सम्मान साधे परम सत्कारियों सिंधु साहब जी इट्स अ टोकन ऑफ लव फॉर ऑनरेबल सिंधु साहब फ्रॉम एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड द नेक्स्ट वन इज फॉर मिस्टर तरुण चावला डायरेक्टर फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन वर्धमान ग्रुप थैंक यू वेरी मच सर एंड द नेक्स्ट वन इज फॉर मिस्टर नतेज सिंह Chief of Civil Works, Vardhman Group. Mr. Rishi Sharma, Manager, HR and Admin. Mr. Pratik K. Dibbal, Advisor, Vardhman Yarn and Sir Shyamkur. Thank you very much, sir. Vardhman Group ka. और वर्धमान यार्न्स एंड थ्रेड्स लिमिटेड का दोनों कंपनीज़ का हमेशा ही कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अधीन एजुकेशन पर और हेल्थ के ऊपर फोकस रहा है। कोशिश करते हैं हम समय समय पर यहाँ कहीं भी इन दोनों फील्ड्स में हम किसी भी प्रकार की सहायता दे सकें तो हमें बेहद खुशी होती है। समाज के विकास के लिए ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। सर, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाना आम आदमी पार्टी सरकार का सपना रहा है जी। वर्धमान ग्रुप भरपूर सहयोग कर रही है, कैसे देखते हैं जी? बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ वर्धमान ग्रुप का, उनके जीएम साहब खड़े हैं सिद्धू जी और तरुण चावला जी, और जो सारे इस मैटर को देख रहे हैं और तकरीबन 42 लाख रुपीज लगा के इन्होंने दो ब्लॉक, एक स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए एक नॉर्मल चिल्ड्रंस के लिए इसकी उसारी किया। बहुत ही बेहतरीन ढंग से फर्नीचर है और जो स्पेशल चिल्ड्रंस को चाहिए वो सारी इम्यूनिटीज़ वहाँ पे हैं मौजूद है, और यहाँ भी बच्चों के लिए जो भी चाहिए इन्होंने प्रोवाइड कराया। मैं धन्यवाद करता हूँ क्योंकि हमारे मानयोग्य सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल साहब दिल्ली के सीएम हैं और मानयोग्य मुख्यमंत्री भगवंत मान जी हमारे पार्टी के विज़न में ही शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हर एक चीज़ वहाँ से शिक्षा क्रांति के तौर पे चली थी दिल्ली से, जो आज पंजाब में हम देख रहे हैं स्कूल ऑफ एमिनेंस 116 के करीब इसकी शुरुआत जो है अमृतसर से की गई है। मैं कहता हूँ उसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर ये हमारे साथ वर्धमान ग्रुप यहाँ पे बच्चों को प्रोवाइड करा रहा है, तो मैं स्पेशली धन्यवाद करता हूँ इनका। सर, विद्यार्थियों को और अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे देखा जा रहा है मेंटली चैलेंज बच्चे जो हैं, डिसेबल बच्चे जो हैं, उनके लिए भी यहाँ पर प्रावधान किया गया है, क्या संदेश? देखिए, जो स्पेशल चिल्ड्रन हैं उनके माता पिता के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है उनकी परवरिश जी, और हमारी जो मैं कह रहा हूँ यहाँ जो टीचर्स हैं जो स्पेशल चिल्ड्रंस को टीच कर रहे हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने जो माता पिता को जो कुदरत ने उनके साथ अन्याय किया है उसको वह सेवा के रूप में उनको बच्चों को इतने सक्षम बना रहे हैं कि वो बच्चे बहुत अच्छा बेहतरीन, आपने देखा उनका, उन्होंने इतना अच्छा, मैं ना वो सुन सकते थे ना वो बोल सकते हैं जी, वो कितनी प्रैक्टिस कराई होगी। एक नॉर्मल आदमी को भी याद कराने के लिए बच्चे को कई बार टीचर मारते हैं, उसको टीचर का मारना पर्पस नहीं होता, उनका ये होता बच्चा लगातार सीख नहीं रहा जी। सो आज तो वो मारना भी मना है जी, लेकिन कितनी मेहनत, कितनी शिद्दत से, मैं उनको भी सल्यूट किया है मैंने कि उनकी बहुत मेहनत है। और नॉर्मल चिल्ड्रन भी जो आपने बताया, इन्होंने आईक्यू की बात किया जी, ये बच्चे जिन्होंने डांस किया वो बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, और बच्चे जो हैं मैं कह सकता हूँ बड़े बड़े लोअर मिडिल क्लास से निकल के बच्चे, गरीब परिवारों के बच्चे, जरूरतमंद परिवारों के बच्चे हैं, तो मैं इनको फिर द्वारा वर्धमान ग्रुप का स्पेशली धन्यवाद करता हूँ। सर, कई स्कूलों के विच टीचर्स की कमी पाई जा रही है, जिहड़े सरकारी स्कूल ने, और एक टीचर नूं चार चार पांच पांच स्कूल दित्ते होए ने, उहदे संबंध विच की कहोगे? देखिए, मैं एक गल कहनी चाहना उहदे लई, पीडी भर्तियां सी इह लंबे अरसे तो एक प्रोसैस है भर्तियां दा, इह गवर्नमेंट दा प्रोसैस कोई इदां नहीं हैगा वी अज असीं चाहिया, जिद्दां प्राइवेट स्कूल है, मैं एक स्कूल नूं देखदा उत्थे असीं इंटरव्यू करदे हां टीचर रख लैंदे हां, लेकिन गवर्नमेंट दा प्रोसैस इदां नहीं हुंदा। गवर्नमेंट दे प्रोसैस दे विच इक लंबा प्रोसैस हैगा,
ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਨੇ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਤੇ ਬੰਦੇ 36,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੱਕਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕਥਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਲਈ ਹੋਏਗੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ, ਉਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, 36,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਵੀ ਭਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਟੀਚਰਸ ਹੈ ਚਾਹੇ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈ, ਪਟਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਸਰ ਕੋਈ ਟਾਈਮਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ? ਟਾਈਮਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੋਹਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 12,000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗੇ ਟੀਚਰਸ ਜਿਹੜੇ 5-5,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, 22,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ, 24,000, 28,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਲੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।